एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अभी सुबह के 7 बजे हैं। आप सब कैसे हैं? एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। और ये रहा मेरा बेड टी, और हम लोग अभी चाय पी रहे हैं और हम लोग ब्लैक टी पीते हैं। तो कैसे हैं आप सब? आज का सारा दिन मैं आप सब से शेयर करूँगी, मैं कैसे स्पेंड कर रही हूँ, भुवनेश्वर में होटल में रहती हूँ या बाहर जा रही हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं तैयार हो गई और अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने। तो चलिए आप लोग को भी दिखाती हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट बफे लगता है, उसमें क्या क्या है सभी कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए बफे में क्या क्या है। इसमें है फ्रेंच टोस्ट, ग्रिल्ड फिश जो कि बहुत ही यम्मी है, और है चिकन सॉसेजेस, देन बॉइल्ड एग, और यहाँ पे है वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, फिर क्रोसेंट, और टोस्टर भी रखा है, आप टोस्ट कर सकते हो। और ये है वेज सैंडविच, कोकोनट चटनी, टोमेटो चटनी एंड सांबर। और यहाँ है वैरायटीज़ ऑफ इडली, राइस इडली, रवा इडली, रागी इडली। उसके बाद है छोले भटूरे, उसके बाद है उत्तपम और साबूदाना वड़ा, वर्मिसली उपमा और पनीर पराठा। उसके बाद नेक्स्ट है पॉरेज, नेक्स्ट है बटर ग्रिल्ड टोमेटो एंड चिली पोटैटोस, एंड देन वेज क्रॉकेट एंड बेक्ड बीन्स, और है स्टीम्ड वेजिटेबल्स, और यहाँ पे है व्हीट फ्लेक्स, कॉर्नफ्लेक्स और तरह तरह के कॉर्नफ्लेक्स है विथ मिल्क, हनी, शुगर, सब कुछ रखा हुआ है। और यहाँ पे कई तरह के जूसेस रखे हुए, सब कुछ फ्रेश जूस है, और चॉकलेट मिल्क शेक भी है, और साथ में फ्रेश फ्रूट्स भी कट करके रखा हुआ है। हमारा बुराल जी है, ठीक है। सारे आइटम इतने यम्मी दिख रहे थे कि मैंने तो सभी कुछ थोड़ा 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 करके टेस्ट किया है। और इतने सारे ब्रेकफास्ट आइटम से हमें जो भी अच्छा लगा वो हमने ले लिया है, और हमने स्टार्ट कर दिया अपना ब्रेकफास्ट करना। तो बने रहिएगा वीडियो को, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए, और आप लोग का सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट मी। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद मैं होटल को एक्सप्लोर करने लगी, और ये है बैंक्वेट हॉल। और घूमते घूमते मैं बाहर आ गई, और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा डेकोरेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट्स हैं यहाँ पे, और प्लांट से बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया है, और बहुत सुंदर लॉन है, और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी है, और इतना सुंदर स्विमिंग पूल है, ज़्यादा डेप्थ भी नहीं है स्विमिंग पूल का, और देख के तो मेरा मन एकदम इतना खुश हो गया, और मैंने बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाया, और मेरे को तो लग रहा था कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स करूँ स्विमिंग पूल में। और
यहाँ पे देखिए गार्डनर अपना काम कर रहे हैं इसलिए इतना मेंटेन्ड है, सभी अपना काम अगर सही ढंग से करे तो मेंटेन्ड रहता है। और ये है ओवरऑल व्यू होटल का, आप देख लो। ओवरऑल व्यू होटल का, और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा है, ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी, एकदम प्लेजेंट वेदर है और बेस्ट सीज़न है यहाँ विजिट करने के लिए। हस्बैंड वेट कर रहे हैं कैब का, उन्हें ऑफिस जाना है और मैं यहाँ होटल में ही रुकूंगी। जब तक हम लोग लॉबी में बैठे थे तो मैंने देखा पंडित जी आए पूजा करने के लिए, तो मैंने सोचा इसे भी शेयर किया जाए। और हस्बैंड चले गए ऑफिस और मैं चली आई रूम में, और इधर रूम को क्लीन करने के लिए आ गए हैं तो रूम को क्लीन करवा लेती हूँ मैं। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी क्राउन होटल का लंच बफे, बहुत ही अमेजिंग वो वीडियो होगा, तो देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड।